हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके सभी शिफ्ट में इंग्लिश में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रश्न पूछे गए थे उनको आज एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यह वीडियो एसएससी के आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे कि सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सेलेक्शन पोस्ट, जेई, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं फ्रेंड उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और यह वीडियो भी उन सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो ये आगामी परीक्षा देने जा रहे होंगे फ्रेंड। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, आप इसे एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि समथिंग डैट कैनॉट बी अवॉइडेड। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है फ्रेंड? इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इनएविटेबल। आपको याद रखना है डैट विच कैनॉट बी अवॉइडेड, इसका वन वर्ड इनएविटेबल होता है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सके, अवॉइड नहीं किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा लेते हैं। दूसरा है कि ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, यानी जो विदेशी हैं, दूसरे देश के जो निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एलियन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एलियन, ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री। तीसरा है फ्रेंड, ए ग्रुप ऑफ सिंगर इन ए चर्च, यानी जो सिंगर का समूह है, जो गाने बजाने वाले जो समूह होता है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको फ्रेंड कहा जाता है क्वायर। आपको याद रखना है क्या कहा जाता है? क्वायर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सारे इंपॉर्टेंट है, सबको आपको ध्यान से देखना है। और फ्रेंड आप कोशिश कीजिएगा नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए ताकि बार बार आपको वीडियो देख कर टाइम वेस्ट ना करना पड़े फ्रेंड। चौथा लेते हैं, और चौथा है कि वन हु डज नॉट टायर इजिली, यानी जो आसानी से नहीं थकता उसको क्या कहा जाता है? इनडिफैटिगेबल। क्या कहा जाता है? इनडिफैटिगेबल, आपको याद रखना है फ्रेंड, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इम्पॉसिबल टू एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी जिसे समझने में मुश्किल हो, कठिन हो, जो समझने में उसको क्या कहा जाता है? इनकम्प्रीहेंसिबल। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, क्या कहा जाता है? इनकम्प्रीहेंसिबल। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं कि ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक सॉलिड स्नो, उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड? इग्लू कहा जाता है। आपने देखा होगा बर्फ के जो घर बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड। और फ्रेंड्स आपका अगर कहिएगा तो मैं आपको जितने भी जैसे कि इडियम फ्रेज हैं उनको भी मैं अलग बना के एक वीडियो दे दूंगा आपको। जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं उनको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए सब कुछ बना के फ्रेंड आपको दे दूंगा ताकि आपको सहूलियत हो पढ़ाई में। सात नंबर देखते हैं फ्रेंड, और सातवां नंबर है कि डैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, मतलब इसको क्या कहा जाता है? इम्प्रेगनेबल। क्या कहा जाता है फ्रेंड? इम्प्रेगनेबल, आपको याद रखना है। आठ नंबर है ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, डेट मीन्स मैंसन, क्या कहा जाएगा उसको? मैंसन कहा जाएगा, ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस। ए साउंड डेट कैनॉट बी हर्ड, यानी जिस आवाज़ को न सुना जा सके उसको क्या कहा जाता है? इनऑडिबल। क्या कहा जाता है फ्रेंड? इनऑडिबल, आपको याद रखना है, इनऑडिबल। ठीक है, चलिए दस नंबर देखते हैं। दस नंबर है फ्रेंड कि रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है, उसको कहा जाता है प्रोलीफेरेशन। प्रोलीफेरेशन आपको याद रखना है फ्रेंड, प्रोलीफेरेशन। ठीक है, अगला लेते हैं लिविंग इन एयर, उसको क्या कहा जाएगा फ्रेंड? उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एरियल कहा जाता है। ठीक है, उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज होता है उसे एरियल कहा जाता है, एरियल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा लिविंग इन एयर, एरियल। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी जो वायुदाब मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। ठीक है, आप सभी जानते होंगे फ्रेंड, बैरोमीटर। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन, क्या कहा जाएगा उसको? कहा जाएगा आर्कियोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा आर्कियोलॉजी। एक्सकेवेशन मतलब होता है खुदाई। क्या होता है फ्रेंड? आपको ध्यान रखना है इसका, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई होता है। ठीक है, चलिए, ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज, उसको क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति केवल दो ही भाषा बोल सकता है उसको कहा जाता है बाइलिंगुअल। क्या कहा जाता है फ्रेंड? बाइलिंगुअल, ध्यान रखना है, बाइलिंगुअल कहा जाता है। पंद्रह नंबर है
गाइड द कोर्स ऑफ ए शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप, उसको कहा जाता है नेविगेट। क्या कहा जाएगा फ्रेंड? नेविगेट। फ्रेंड ध्यान से आप देखते जाइए, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है और इसी तरह का प्रश्न टीसीएस पूछता भी है। देखिए कितना इजी प्रश्न है। और फ्रेंड्स हर शिफ्ट में दो दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हुए हैं, ठीक है, तो दो ही वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन आते हैं और इतना आप पढ़ लीजिएगा तो ऑलमोस्ट आप 50% आपका कवर हो जाएगा फ्रेंड। लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके लिए क्या है फ्रेंड? एमनेसिया, ध्यान रखिएगा एमनेसिया। ए रिमेडी ऑफ ऑल डिजीज यानी पेनेसिया, क्या कहा जाएगा फ्रेंड? पेनेसिया। इसका मतलब क्या होता है? रामबाण, क्या होता है? रामबाण या सर्व रोग नाशक, ठीक है। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज यानी सभी रोगों के लिए, तो सर्व रोग नाशक मतलब पेनेसिया। वन हु हॉबी इज स्टाम्प कलेक्शन यानी जिसका हॉबी क्या है? स्टाम्प को कलेक्ट करना है, उसके लिए उसको क्या कहा जाता है? फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? फिलाटेलिस्ट, आपको ध्यान रखना है फिलाटेलिस्ट। अगला है फ्रेंड कि वन हु इज इंचार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट गैलरी यानी जो इंचार्ज होता है म्यूजियम का उसको क्या कहा जाता है? क्यूरेटर, ठीक है, याद रखिएगा क्यूरेटर, इंपॉर्टेंट है सारे फ्रेंड। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, ठीक है, फास्टिडियस, क्या होता है फ्रेंड? काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार यह पूछा भी जा चुका है, फास्टिडियस, आपको ध्यान रखना है। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, फास्टिडियस। समथिंग डेट कैच फायर इजिली यानी जिसमें आसानी से आग पकड़ लेता हो, इनफ्लेमेबल, ठीक है, इनफ्लेमेबल आपको याद रखना है फ्रेंड। एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, साइन क्योर, क्या फ्रेंड? साइन क्योर आपको ध्यान रखना है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। और फ्रेंड ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड यानी अविवाहित की अवस्था को क्या कहा जाता है? सेलिबेसी, क्या कहा जाता है फ्रेंड? सेलिबेसी, आपको याद रखना है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। ए प्रीवियस केस डेट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन, उसको कहा जाता है प्रीसीडेंट, ठीक है, प्रीसीडेंट। अगला है फ्रेंड, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन यानी जो सुख और दुख की अवस्था में एक समान रहता हो, चेंज नहीं होता, उसको कहा जाता है स्टोइक, क्या कहा जाता है फ्रेंड? स्टोइक। और यह कई बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है स्टोइक, खास करके फ्रेंड आप स्पेलिंग याद रखिएगा STOIC, ठीक है, स्पेलिंग याद रखने से क्या होगा, आपको जो करेक्शन आता है ना कि चूज द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड या करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें भी आपको काफ़ी फायदा होने वाला है फ्रेंड। एन ऑफिशियल पार्डन मतलब उसको क्या कहा जाता है? एमनेस्टी, ठीक है, ऑफिशियल पार्डन, एमनेस्टी आपको याद रखना है फ्रेंड। वन हु वर्क्स ऑन फूड, पेडिस्ट्रियन, क्या कहा जाता है? पेडिस्ट्रियन कहा जाता है, आपको याद रखना है, जो पैदल चलता है उसको क्या कहा जाता है? पेडिस्ट्रियन। डेट विच कैनॉट बी सीन थ्रू मतलब जिसको आर पार, जिससे ना देखा जाए उसको ओपेक कहा जाता है, और जिससे आर पार देखा जाए उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये एंटोनिम सिनोनिम में पूछा जाता है फ्रेंड। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड मतलब एमिनेबल, देखिए फ्रेंड्स एक्चुअली मैंने आपकी मदद करने के लिए यह वीडियो बनाया है, पढ़ने के लिए तो आप सारे सेक्ट का आपके पास अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर का आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक जगह हो जाएंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं idiom phrase भी दे दूंगा, वो भी एक जगह हो जाएंगे, और इसका PDF भी मैं फ्रेंड प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। वन हु ईट्स टू मच यानी जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसको ग्लटन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? याद रखना है ग्लटन कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड। अगला है पीपल हु इंजॉय सोशल कंपनी यानी जो मिलनसार लोग होते हैं ना, वहीं तो इंजॉय करते हैं ना, फ्रेंड्स बनाते हैं और जो कंपनी है उसमें काफ़ी इंजॉय करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको कहा जाता है ग्रीगेरियस, ठीक है, आपको याद रखना है ग्रीगेरियस मतलब मिलनसार होता है। ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रूथ और रूल कंडक्ट, ठीक है, उसको क्या जाता है? मैक्सिम कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड? मैक्सिम कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट। ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस एज द सेम, इसको क्या कहा जाता है? एक्रोनिम कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड? एक्रोनिम कहा जाता है।
द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन। ठीक है, ध्यान रखना एनिमल स्क्रीन स्किन के यानी जो जानवर के चमड़े हैं उनको साफ और प्रिजर्व करने की जो कला है उसको क्या कहा जाता है, टैक्सीडर्मी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा टैक्सीडर्मी। वन हु मेक्स एंड सेल स्वीट्स एंड पेस्टीज। ठीक है, आपने पेस्टीज खाया होगा, स्वीट खाया होगा, मिठाई, वही है कि जो बनाता है और बेचता है उसको क्या कहा जाता है, कन्फेक्शनर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, कन्फेक्शनर। ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, यानी कोई बंदा है जो काफ़ी अच्छे से लिखता है उसको क्या कहा जाता है, हैंड राइटिंग जिसकी अच्छी होती है, कैलीग्राफर। ठीक है, कैलीग्राफर। अगर आपसे पूछा जाए कि द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली इज कॉल्ड कैलीग्राफी, ठीक है, अगर पर्सन का जिक्र किया जाए कि उस पर्सन को क्या कहा जाता है तो उसको कहता है कैलीग्राफर, और द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली इज कॉल्ड कैलीग्राफर। ठीक है फ्रेंड्स, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। ठीक है, याद रखना है डेमोग्राफी, कई बार पूछा जा चुका है आपको, मैप वाला, जनसंख्या वाला और हैंडराइटिंग वाला। ठीक है, याद रखना है कि ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड कंस्टिलेशन। क्या फ्रेंड, कंस्टिलेशन आपको याद रखना है। प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस इज कॉल्ड हार्बेरियम। ठीक है, क्या कहा जाता है, हार्बेरियम, याद रखिएगा फ्रेंड। एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज, उसको कहा जाता है वर्सेटाइल। ठीक है, वर्सेटाइल, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, वर्सेटाइल कहा जाता है। ठीक है, ए पर्सन और थिंग डैट हैज सेम नेम एज एनदर। ठीक है, एक ही समान नाम हो, नेम से कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, नेम से। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी जो वहां के मूल निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है, एब ओरिजिन्स। क्या कहा जाता है फ्रेंड, एब ओरिजिन्स आपको याद रखना है। वन हु ट्रीट स्किन डिजीज, यानी जो स्किन डिजीज ठीक करता है उसको क्या कहा जाता है, डर्माटोलॉजी। क्या कहा जाता है, डर्माटोलॉजिस्ट। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर, ठीक है, याद रखना है क्या कहा जाता है, फ्लोरिस्ट। फ्रेंड यहाँ थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, वन हु ट्रीट स्किन डिजीज इज कॉल्ड डर्माटोलॉजिस्ट, यहाँ आपको करना है DERMATOLIST। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको सुधार लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैंने कर लिया था, अब चले आगे। वन हु ड्रॉस और प्रोड्यूस मैप, अभी मैंने बताया था कि मैप पॉपुलेशन और हैंड राइटिंग कैलीग्राफी, जो ब्यूटीफुली जो लिखते हैं उनको याद रखना है आपको। तो वन हु ड्रॉस और प्रोड्यूस मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला लेते हैं, अगला लेते हैं, ए गेम इन विच नो वन विंस, उसको क्या कहा जाता है, ड्रॉ कहा जाता है। जिस खेल में कोई नहीं जीतता है उसे ड्रॉ कहा जाता है, खेल ड्रॉ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ए स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी जो तेजी से बहती हुई पानी की धारा है उसको क्या कहा जाता है, टॉरेंट। क्या कहा जाता है, टॉरेंट, याद रखना है फ्रेंड। पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंटेम्प्ररीज। क्या कहा जाता है, कंटेम्प्ररीज, आपको याद रखना है फ्रेंड। 49 नंबर लेते हैं, वन हु कैन यूज बोथ हैंड इफिशियंटली, जो दोनों हाथ अपने यूज करते हैं, दाहिने हाथ भी और बाएं हाथ भी, उनको क्या कहा जाता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। आपको याद रखना है एम्बीडेक्स्ट्रस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार यह पूछा जा चुका है फ्रेंड। अगला लेते हैं फ्रेंड, ए ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड सोल, यानी जो मछलियों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, सोल कहा जाता है। और चींटियों के समूह को, यानी ये ग्रुप ऑफ एंट्स इज कॉल्ड स्वार्म। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे 2019 में CHSL में जितने भी वर्ड और सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे, मैंने आपको एक जगह दे दिया है फ्रेंड। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको idiom phrase दे दूँ, MTS में पूछे गए दे दूँ, और CGL में जो पूछा गया था उसको भी मैं प्रोवाइड करा दूँ। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, इस चैनल का उद्देश्य आपकी हेल्प करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराना है और इजी वे में आपको ऐसा चीज़ देना है जिससे कि आप पढ़कर आपका सिलेक्शन हो जाए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।